और उस पानी से हमको 16 करोड़ प्रॉफिट दे रहे हैं और 15 साल का ऑपरेशन मेंटेनेंस उसी में है और प्रोजेक्ट 40% हाइब्रिड एन्यूटी पे है। जो आपने बात की कि अर्बन सेक्टर में इतना पानी है कि वो पानी अगर 40% हाइब्रिड एन्यूटी में, पहले हमने रोड में लाया था ये प्रोजेक्ट, 2 लाख करोड़ के काम हुए, अब 5 प्रोजेक्ट हमने हाइब्रिड एन्यूटी में गंगा और इसमें किए, यमुना में हम 34 प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए, दिल्ली के उसमें 11 प्रोजेक्ट है। हाइब्रिड एन्यूटी का मतलब ऐसा है कि 40% गवर्नमेंट देता है, 60% वो जो प्रोजेक्ट करता है वो लाता है, तो उसमें 30% उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 60% में से, और बाकी बैंक देती है, और उसको एन्यूटी बेसिस पर 15 साल के लिए ऑपरेशन मेंटेनेंस के अंदर हम पैसे देते हैं। वो पानी बेचा जा सकता है, या इंडियन ऑयल ने पानी लिया, अब पावर मिनिस्ट्री ने हमसे करार किया है गंगा के किनारे पर जो 12 थर्मल पावर प्लांट है उसमें 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये गंदा पानी जो है रिसाइकलिंग करके हम पावर जनरेशन के लिए देंगे, तो वो पानी डैम का उतना बचेगा और वो पानी पीने के लिए और बाकी बातों के लिए मिलेगा। तो ये पानी बहुत बड़ा है, जिस पर नीति आयोग ने अगर और अच्छा रिसर्च किया तो पानी को बहुत सपोर्ट मिलेगा। बहुत लोग बोलते हैं पानी की कमी है, मैं कहता हूँ पानी की कमी नहीं, पानी के नियोजन की कमी है। समुद्र में कितना पानी जा रहा है, मोटे तौर पर बताया जाता है कि 15 से 20% कंजर्वेशन, 15 से 20% डैम ले और 70% 60 से 70% समुद्र में जा रहा है, और अभी ये भी पानी हम बचा सकते हैं, और इसलिए चलने वाले पानी को, चलने वाले दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ और चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। ये स्लोगन जो बहुत अच्छा है, इसमें वाटर कंजर्वेशन ये बहुत बड़ी बात है और इससे बहुत ही ड्रामेटिक रिजल्ट महाराष्ट्र में भी मैंने देखे, कर्नाटक में देखे, गुजरात राजस्थान में इसके पीछे लग रहा है और वाटर लेवल बढ़ी है। तो मुझे लगता है कि ये बात दोनों बातें और आखिरी में आउट ऑफ बॉक्स जिसके लिए नीति आयोग स्टडी करें, ये बड़े बड़े डैम बनाने के बजाय अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट करें डिसेलिनेशन, कांडला पोर्ट में हमने 15 मेगावाट विंड पावर किया, अब वीट पावर वहाँ और सोलर पावर मिलकर हाइब्रिड में 2000 मेगावाट का प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, लैंड हमारे पास है 1 लाख एकड़ लैंड है। अब वो कॉस्ट की कीमत हमने पावर मिनिस्ट्री से अब अंडरस्टैंडिंग किया, उन्होंने अनुमति दी है, उसकी कॉस्ट 2.25 रुपये या 2.30 रुपये होती है और हमारे पोर्ट में हम लोग 11 रुपये तक की पावर पास करें। अब हमने पोर्ट को ये पावर हम देंगे तो हमारी पावर में बचत होगी। अब ये 3 रुपये में अगर पावर डिसेलिनेशन प्लांट को मिलती है तो हमारी पावर स्वीट वाटर की कीमत 3 पैसा पर लीटर आती है और इसलिए 3 पैसा पर पावर सरप्लस है हिंदुस्तान में। अभी सोलर पावर 2.5 रुपये आई, ये पावर अब 2.25 रुपये है, अगर ये डिस्टिलेशन प्लांट के लिए हम देते हैं तो हमारा 3 पैसे पर लीटर अगर पानी मिलता है तो डैम के पानी से, मैंने स्टडी नहीं किया, और उससे सस्ता पड़ेगा, तो क्यों नहीं हम ये समुद्र का 7,500 किलोमीटर का समुद्र किनारा हम लें। हमने 3 प्रोजेक्ट लिए, टूटीकोरिन, भांडला और पैरादीप, और वहाँ पहले 3 प्रोजेक्ट का टेंडर निकाल रहे और पावर मिनिस्ट्री ने कहा कि हम आपको पावर के लिए आपको पूरा पावर ट्रांसमिशन में परमिशन देंगे, अगर 2.25 की पावर में 3 रुपये में भी मिली हमने लिया तो भी वहाँ यहाँ हम डिपॉजिट करेंगे वहाँ आपको मिलेगा, और 3 पैसे के अगर पावर आए तो 7,500 किलोमीटर के समुद्र किनारे पर की पानी जो है वो स्वीट वाटर में आएगा। तो ये जो ग्रामीण विकास विभाग 18% पॉपुलेशन ये समुद्र के तट पर रहती है तो ये 18% पॉपुलेशन को स्वीट वाटर मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि इसमें डिसेलिनेशन, रिसाइकलिंग, वाटर कंजर्वेशन, ब्रिज कम बंदारा, रबर डैम और उसके साथ साथ रिवर कनेक्टिविटी का काम कर ही रहे और उसके साथ इरीगेशन में अब हम लोग कैनाल नहीं बना रहे, पाइप लेकर उसका एक वर्ल्ड लेवल का वर्कशॉप हुआ, अभी कॉस्ट भी कम हो रही है, और दूसरी ओर ड्रिप के लिए 10,000 करोड़ की सरकार ने दिए, तो हर जगह पानी का उपयोग ड्रिप के द्वारा होगा तो पानी का 3 टाइम्स पानी का उपयोग होगा और 2.5 गुना प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही सक्सेस महत्वपूर्ण विषय है मीडिया के लिए, मैं जो राजीव कुमार हूँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई पूछता है कि देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है तो मैं कहता हूँ पानी, ये सबसे बड़ी समस्या। और उन्होंने जो इस बात के लिए आपसे प्रार्थना मैं करूँगा, वाटर कंजर्वेशन, पानी के बारे में अवेयरनेस, इनोवेटिव मॉडल्स, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, ये पंजाब हरियाणा बिहार में कम है पर जहाँ ज़्यादा तकलीफ होती है वहाँ इनोवेशन भी ज़्यादा, महाराष्ट्र में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में हम लोग इतना पानी के लिए तरस है, हमारा पानी यही विषय है। और एक तरफ 35 TMC के लिए कर्नाटक और आंध्र
कर्नाटक और तमिलनाडु कैसे झगड़े हो रहे हम देख रहे हैं, और 3000 टीएमसी का वाटर समुद्र में जा रहा है उस पर ना चर्चा होती है, ना कोई लेख लिखता है, ना कोई मीडिया में छापता है, पर 35 टीएमसी के ऊपर पूरा जाता है। हमारी 6 नदियों में से 3 नदियां पाकिस्तान को मिली, 6 हमको मिली। हमारे अधिकार का पानी पाकिस्तान जा रहा है उसको रोकने की बात कोई नहीं होती, कहीं अखबार में नहीं आता, कोई टीवी में चर्चा नहीं होती। और जो हम लोग हरियाणा और पंजाब में छोटे पानी के लिए हम कोशिश कर रहे हम समाधान नहीं देता, तो मैं आपको कहूंगा कि बिटवीन द स्टेट्स वाटर प्रॉब्लम को सुलझाना, जो पानी वेस्ट जा रहा समुद्र में जा रहा हमारे अधिकार का उसको बचाना, वाटर कंजर्वेशन से हमारे वाटर लेवल को बढ़ाना, और वाटर का सीमित वापर करके, फजूल वापर नहीं होना चाहिए, उसका एक्सेसिव वापर नहीं होना चाहिए, उसके नए इनोवेटिव वाटर मैनेजमेंट के मॉडल्स जो उसका उपयोग करके हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट अगर 23% के मध्य प्रदेश में मिलता है, ये अगर पूरे देश में मिलेगा तो दिल्ली की 25-30% पॉपुलेशन फिर से दिल्ली छोड़कर गांव की तरफ जाएगी और प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो मैं फिर से एक बार एक अच्छे वाटर ऑडिट की बात इन्होंने की है, परफॉर्मेंस ऑडिट की बात हुई, ये सबसे अच्छी है, तो अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को सजा नहीं मिलती, तो इसलिए पहली बार ये आपने ये भी किया है। ये कॉम्पिटिशन सभी राज्यों को, आपकी वेबसाइट और आपका ये किताब वाटर अवेयरनेस के बारे में और प्रोत्साहित करेगा, प्रेरित करेगा। मैं नीति आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। मैं दोबारा से आपको बताना चाहता हूँ कि वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र, कर्नाटक। और ये भी एक देखिए, देश में सबसे इरीगेशन परसेंटेज झारखंड में 5.6, और जहां इरिगेशन परसेंटेज बढ़ा, अभी पहले वो मुझे चर्चा करते झारखंड वाले, क्योंकि मैं बोला आपके प्रोजेक्ट भेजो, मैंने हमारे सेक्रेटरी को कहा कि झारखंड को प्रायोरिटी दो, तो वहां अभी प्रोजेक्ट भी ऐसे है कि उससे उनको बोला आप आइए दिल्ली, तो जहां पानी आया वहां समृद्धता और संबंध आए। अगर ये आप कह रहे ये बात, अगर पानी की आवाज़ उनके पास जाएगी और इरीगेशन बढ़ेगा, तो मुझे लगता है कि ये गरीबी वहाँ की जरूरत ये पूरा प्रेजेंटेशन लोडेड है सारा, बड़ा ट्रांसपेरेंट।